यू नो ऑफ एनी एक्टिविटी विच मे बी पॉल्यूटिंग दिस वाटर सोर्स? तो देखें क्या आप ऐसी कोई एक्टिविटी के बारे में जानते हैं जिसकी वजह से जो है वाटर सोर्स जो है वो पॉल्यूट होते हैं। तो बताइए ऐसी एक्टिविटीज क्या होंगी जो आप जानते हैं। तो बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिससे वाटर पॉल्यूशन होता है ना। तो देखें अब हम जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, इस इमेज को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। जैसे फार्म्स की बात करें, तो फार्म्स की अगर हम बात करें तो वहां पर फर्टिलाइजर यूज हो रहे हैं, हर्बिसाइड्स यूज हो रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं, जो वाटर के साथ जो है मिक्स हो जाते हैं, तो वाटर को पॉल्यूट करते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पर देखें तो एक प्लांट है यहाँ पर, ठीक है, एनिमल फीड्स, तो यहाँ से क्या आएगा, या एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, तो इससे जो वेस्ट निकलेगा जैसे कि सॉल्ट्स निकलेंगे ऑन विंटर रोड, ऑयल, ग्रीस, ये रेजिडेंशियल एरिया से केमिकल्स आएंगे, ठीक है, या न्यूट्रिएंट वेस्ट आएगा या बैक्टीरिया आएंगे, ठीक है। इसी तरह से जो है फैक्ट्रीज से जो निकलते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये पानी के अंदर ऐड हो जाएंगे टॉक्सिक केमिकल्स। कहीं कंस्ट्रक्शन साइट है जहाँ पर कोई काम चल रहा है, तो उससे जो है जो कंस्ट्रक्शन साइट से जो निकलेंगे सीमेंट और इस तरह के जो इरोडेड सॉइल, उसको हम बोल सकते हैं, तो वो वाटर के साथ ऐड हो जाएंगे। तो वाटर पॉल्यूशन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे ये सिप है, तो अब सिप से जो है ऑयल टैंकर कैरी किए जाते हैं, और कभी कभी कोई दुर्घटना घट जाती है तो ये ऑयल टैंकर या तो लीक कर जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो तेल का रिसाव हो जाता है पानी में, समुद्र में, तो ऑयल स्पिलेज है ना। और कई बार जो है खदानों की खुदाई के कारण वहाँ से जो है एसिड जो है वो रिसाव होते हैं, और एसिडिक जो सब्सटेंस हैं वो ड्रेनेज के द्वारा जो है वो पानी के सोर्स तक पहुँच जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि जो वेस्ट वाटर है, वो घरों का वेस्ट वाटर हो या कंपनियों का हो, इंडस्ट्रीज का हो, हॉस्पिटल्स का हो, वो हमारे फ्रेश वाटर को पॉल्यूट करता है। तो इस तरह से आप कुछ भी आंसर जो है वो कर सकते हैं इन एक्टिविटीज को लेकर के, ठीक है। तो हमें कोई एक स्टैंडर्ड आंसर को फॉलो करते हुए अपने आंसर्स में जो है आप चेंजेस भी ला सकते हैं, ठीक है। तो आपको हेल्प मिलेगी इससे अपने आंसर्स खुद से फ्रेम करने के लिए।